युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने पटवारी भर्ती नियुक्ति पत्र प्रक्रिया शुरू करने पर नाराजगी जताई है। भुरिया ने युवाओं के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ करने का आरोप सरकार पर लगाया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने कहा कि पटवारी भर्ती में सरकार पूर्णतः लीपापोती करने का काम कर रही है। हमारे प्रदेश स्तरीय रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन को देखकर सरकार ने जल्दबाजी में पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू करने का पत्र जारी कर दिया, लेकिन पटवारी भर्ती पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा युवा जिसने ये जानकारी नहीं दे पाया कि प्रदेश में कितने जिले हैं, वो परीक्षा का टॉपर कैसे हो सकता है। कांग्रेस के और कांग्रेस दोनों के अकाउंट सीज हुए थे, उसके बाद बंद कर दिया। ये बताते हैं कि कितने घबराए हुए। देखिए, तानाशाह जब जब घबराता है तो इस तरह की हरकत करता है, और देश में जिस तरह से तानाशाही स्थापित हो रही है हम सब देख रहे हैं। ये बोलने में बिल्कुल भी मेरे को किसी भी तरह की हिचक नहीं है कि मध्य प्रदेश भी केंद्र शासित राज्य बन गया है। कोई भी निर्णय मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में नहीं होता है, दिल्ली से जब तक की लाइन नहीं आती है। तो पूरे देश को जिस तरह से तानाशाही के तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई के नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं खुद को आईटी का नोटिस दिया गया, 21 तारीख को मुझे पेश होने का बोला गया है, 21 तारीख को 12 बजे पेश होना दिल्ली के लिए बोला गया है। तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दे उठाएगा, जो लड़ाई लड़ेगा, जो जमीन पर संघर्ष करेगा, उसको किसी भी तरह डराओ धमकाओ। अगर उसको डरा नहीं पा रहे हो तो उसके पैसे के दम पर उसको जेल भेजो। और अकाउंट सीज करना ये कहीं भी सही तरीका नहीं है। आपको लगता है फाइन करिए, अगर किसी ने कुछ गलत करा है हम कोर्ट में उसका जवाब दें, पर पैसे से तोड़ना, मानसिक रूप से तोड़ना और लालच से तोड़ना, ये राजनीति नहीं होती। ये गलत तरीके की राजनीति इस देश में जन्म ले रही है और इसका जबरदस्त खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।